नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देश और प्रदेश में रोजगार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मामले में हालत बद से बदतर होती जा रही है। हरीश रावत ने 1 सितंबर से उपवास का भी ऐलान किया, तो वहीं पौड़ी के युवाओं का भी कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से अब उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। मैंने पहले कहा था कि सरकार अपने रिक्त पदों को भरने का काम नहीं कर रही। अब मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी बीरबल की खिचड़ी की तरीके से धरातल पर उतर नहीं रही है। हम पहले से ही बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं और उस पर कोरोना जन्य जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर, महीने भी छोड़िए, लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों की हैं। उत्तराखंड सरकार ने हमें कुछ लिंक भी भेजे थे रोजगार के लिए, हमने उस पर अप्लाई भी किया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है। और मेरे पास अभी आय का कोई साधन नहीं है, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अभी तक जो नौकरी से चल रहा था, जितनी सेविंग थी बस वही हम जो है अपना घर का खर्चा चला रहे थे, लेकिन आज के टाइम में कोई साधन नहीं है आय का। और मुझे 4 महीने हो गए हैं कोरोना काल में, मैं घर आया हूँ, 4 महीने में मुझे 4 रुपये का रोजगार नहीं मिला है। और मेरा ये कहना है कि हम लोग जो प्रवासी लोग हैं, जितने भी अभी प्रवासी मजदूर घर आए हैं, तो अभी हमें लगभग यहाँ पर 4 महीने से ज़्यादा का समय होने वाला है, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हम लोगों को रोजगार के लिए भी कोई व्यवस्था मुझे तो दिख नहीं रही है। जहाँ तक अगर बात करें कि रोजगार के लिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे घोषणाएं की थी कि इतने दिन का काम मिलेगा, ब्ला 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 वगैरह जो भी बोला है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक कोई रोजगार की यहाँ पर कोई बात है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, सभी लोग आहत हैं। हमारा कहने का मेन मुद्दा यह है कि जैसे अभी घोषणाएं सरकार द्वारा काफ़ी कुछ की गई थी कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के थ्रू काम मिलेगा ऐसा कुछ, और पलायन रोकने पे विचार, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं। पलायन को मेरे हिसाब से तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हमें कोई अभी तक रोजगार नहीं मिला, 3 या 4 महीने हो गए हैं जिससे प्रवासी मजदूर हम सब लोग घर तक आ चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ काम नहीं मिला हमको। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने नयार घाटी सतपुली में बने गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया, साथ ही पूरी नयार पर बने एंग्लिंग कॉटेज का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा पर्यटन सचिव माँ दीवा मंदिर में रोपवे निर्माण और ट्रैकिंग रूट को व्यवस्थित करने की संभावना तलाशने भी पहुंचे। उनका कहना है कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में सतपुली का चयन हुआ है। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से एडवेंचर टूरिज्म के तहत एंगलिंग, कायाकिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग आदि की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार ट्रायल कर रहा है। जी, हमारा ये 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जो इसके अंतर्गत सतपुली और सतपुली क्षेत्र का नयार घाटी का चयन किया गया है, और इस घाटी में मुख्यतः एडवेंचर टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएँ हैं। ये नयार नदी का पानी बहुत अच्छा चलता है, यहाँ पर फिशिंग एंगलिंग का स्कोप है, बलूनिंग तो जो है यहाँ पर संभावनाएं हैं, उसी तरह से जो पिछली बार पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग के जो प्रयास किए गए थे उसके भी परिणाम अच्छे आए हुए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के भगत सिंह चौक के मुख्य चौराहे पर कांग्रेसियों ने बीजेपी विधायक का डीएनए टेस्ट न करवाने और विधायक को बचाने के प्रयास करने के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। साथ ही कांग्रेसी नेता विशाल राठौड़ का कहना है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के द्वारा हाट से विधायक पर महिला के द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद प्रदेश सरकार बीजेपी विधायक को बचाने में जुटी हुई है। आप लगातार पेपर में पढ़ रहे होंगे, लगातार बयान आ रहे हैं कि एक द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी ने एक महिला के साथ में लगातार कई वर्षों बलात्कार कर रहा था, उसको तमाम तरह की धमकियाँ दी जा रही थी। आज जब सारे आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को बचाने का काम कर रही है।
जब भी कोई महिला के साथ ऐसी घटना, दुष्कर्म की घटना आती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बीजेपी सरकार, बीजेपी के विधायक, विधायक हो, नेता हो, इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है? ये महिलाओं, महिलाओं का अपमान हमेशा करते रहते हैं। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी, जिन पर बलात्कार का आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में भाजपा विधायक के खिलाफ जगह जगह पुतलों का दहन किया जा रहा है। टिहरी के नगरपालिका चंबा में आयुष विभाग के द्वारा कोरोना काल में कार्य कर रहे 50 कोरोना वॉरियर्स को आयुष रक्षा किट वितरित की गई, जिसमें कि नगरपालिका के सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को किट दी गई। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश जोशी ने कहा कि आयुष विभाग के द्वारा कोरोना काल में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को किट प्रदान की जा रही है, ताकि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। हमारे जो आयुष रक्षा किट आई है, उनका लगभग 50 लोगों को उनका वितरण किया गया और उनको उसके प्रोसीजर के बारे में समझाया गया कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश जोशी, डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर रावत जी, सभी के द्वारा वहाँ पे नगर पालिका में ये आयुष किट का वितरण किया गया, जो कि हमारे 60 लोगों को दे दिया गया। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर एक महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में महेश नेगी के द्वारा डीएनए टेस्ट न करवाए जाने और उत्तराखंड सरकार पर महेश नेगी को बचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। द्वाराहाट जो विधायक महेश नेगी जी, उन पर जो महिला ने अपने साथ जो है यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है, उसी को मद्देनजर, उसी के लेकर हमने आज ये पुतला दहन किया है, क्योंकि सरकार जो है उनको जो है बचाने का, संरक्षित करने का काम कर रही है। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के मामले में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश आह्वान पर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए विधायक महेश नेगी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल चिमवाल का कहना है कि महिला का यौन शोषण करने वाले बीजेपी विधायक महेश नेगी को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायक इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस ने मांग की है कि विधायक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रीतम सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज जो हमारे भाजपा के एक विधायक, जिन पर की एक महिला उत्पीड़न का एक मुकदमा दर्ज हो रखा है और उस पर सरकार पूरी प्रेस सोई हुई है और उसमें सरकार कोई भी, जिसे कहते हैं कि महिला को न्याय दिलाने में अक्षम हो रही है, तो आज उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर पुतला दहन किया गया। महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारियों ने पुतला दहन किया और हम लोग मांग करते हैं कि जो वो आरोपी विधायक है, उसका डीएनए होना चाहिए और वो जो महिला है, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।